हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आ गया हूँ एक और प्रैंक लेके। आपको याद है पिछली बार ड्रंक प्रैंक किया था अपने वाइफ के साथ, आज एक और प्रैंक करेंगे। एक्चुअली क्या है, कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, ठीक है, और मैंने उसको बोल दिया है कि कल हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, बट आज मैं उसे मना करने वाला हूँ और आज मैं देखूंगा उसका रिएक्शन कैसा होने वाला है। क्योंकि भाई सबको पता है अपनी वाइफ को कोई मना नहीं कर सकता। पिछली बार जब मैंने किया था तो भाई बम भी फट गया था, इस बार उसका जो रिएक्शन आ रहा है कमाल का आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, आज बहुत मजा आने वाला है। सबसे बड़ी बात है उसका बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन मैं उसे मना कर दूंगा ना तो भाई कोई भी बौखला जाएगा, और वो तो ऐसी है मुझे लगता है आज पीटी देगी मुझे। उसी चीज़ का रिएक्शन है उसको देखेंगे और देखते हैं क्या सीन बैठता है। चलो मैं कैमरा वैमरा सेट कर देता हूँ, फिलहाल वो सो रही है, उसको जगाते हैं, उसको जगा के झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करने के बाद उसे बोल दूंगा मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, फिर देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। आओ। हेलो, हाँ गणेश, क्या हाल है। बस बढ़िया भाई। अरे बिल्कुल भाई, कब 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 है। हाँ कार्ड मेरे को मिल गया था। हाँ भाई तेरी शादी में पक्का आएंगे भाई। कितने कितने लोगों को इनवाइट किया है। कल है, बताओ यार मेरे को, कल याद ही नहीं है। कल भाई पक्का आऊंगा तेरी शादी में, पक्का। हाँ हाँ 100% कोई नहीं, नहीं नहीं तेरा भाई है ना। अरे हाँ पक्का आऊंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। अरे हाँ ले आएंगे, हम दोनों आ जाएंगे। बर्थडे है कल तेरा। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, हम दोनों आ जाएंगे। अरे बर्थडे कल मेरा। एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट तेरे को कॉल करता हूँ। क्या यार, नहीं कल मेरा बर्थडे है। क्या हो गया, उसकी शादी भी तो है। तो शादी इम्पोर्टेंट दिखती है, बर्थडे इम्पोर्टेंट दिखता है तुम्हारे लिए। बताओ मुझे, शादी के बाद मेरा पहले बर्थडे आ रहा है, मैंने तुमसे कितनी सारी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है और तुम शादी में जाओगे। क्या हो गया, शादी में भी तो शादी में भी तो शादी तुम्हारे बिना रुक नहीं जाएगी, शादी होगी उसकी। मेरे बिना शादी रुक जाएगी, उसने बोला है कि अगर मैं तू नहीं आएगा ना वो तो चढ़ेगा नहीं। मुझे शादी में खाना खाने जाऊंगी। तो क्या हो गया, शादी तुम्हारे बिना नहीं रुक रही है, उसकी होगी, समझ आ गई, उसकी शादी होगी, उसके पास उसका पूरा परिवार है और दोस्त भी है, तुम नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका परिवार नहीं है, अनाथ है वो। अनाथ है, उसके बाप था मतलब अभी भी है, लेकिन वो लात मार के बाहर निकाल दिया क्योंकि लव मैरिज कर रहा है वो। तो मैं क्या करूं, अब मैं नहीं जाऊंगा तो मैं क्या, फिर कैसे होगा, मैं क्या करूं, इतने मुश्किल से लड़की उठवाई है। तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें शादी में जाना है या अपना मेरा जन्मदिन। मेरी बात सुन, मैं तेरे को बताता हूँ, पहले पहले हम शादी में चले जाएंगे। शादी कब की होती है, रात की, रात की होती है ना। सुबह हम क्या करेंगे, सुबह तेरा बर्थडे मना लेंगे। क्या हो गया, सुबह बन जाता बर्थडे तो तुम ही बनाओगे स्पेशल सुबह सुबह बर्थडे। नहीं बनता सुबह बर्थडे, मुझे नहीं पता। तो तू कितने बजे पैदा हुई थी सुबह, मेरे को तेरी बात, जब मेरी कुंडली आई थी ना, जब तेरी कुंडली में देखा था मैंने, तू सुबह 6:24 पे पैदा हुई थी, तो 6:24 पे तेरा केक काट दूंगा ना। मेन तो वही होता है ना। तू पागल हो गई हो, ये मेंटल मेंटल हो गई हो कि दिमाग हिल चुका है तुम्हारा। अब पागल हो गया इसमें मैं। अगले दिन मना ले तेरा बर्थडे, मतलब शादी में जाना जरूरी है तुम्हारे लिए। भाई शादी में नहीं जाऊंगा, वो बंदा ना घोड़ी की पूंछ के फांसी लगा के मर जाएगा। गुब्बारे फुला दिए इतने सारे, और मुंह से भी नहीं फुलाए, मशीन से फुलाए, मुंह से फुला तो मैं जानता कि हाँ भाई बंदी ने मेहनत करी है, मुंह से गुब्बारे फुलाए। चीपलेस बात कर रहे हो ना तुम, शर्म नहीं। अरे तो मुंह से फुलाने चाहिए ना गुब्बारे तो। तुम शादी में जाके मेरा केक कटवाने की क्या। तो मैं वहां पे अगर मुंह से गुब्बारे ना फुलाओ तो जो मर्जी कह दिए।
और बड़ा बड़ा लिखवा दूंगा वहां पे। हाँ तो ये बच्चे की शादी में भी जाके ना गुब्बारे फुला जाना, जाओ चले जाना मिलाएंगे बच्चों के बर्थडे में जाएंगे ना, आप चले जाना ना गुब्बारे वहां फुला जाना, बर्थडे में फुला जाना। तू क्या चाहती है, तेरे को बर्थडे मनाना है, बर्थडे मनाना है। मैं किसी शादी में नहीं जा रही। अच्छा तेरा बर्थडे कब आता है? कल आ, तेरा बर्थडे कल है ना, आयो 12 बज जाएंगे, मैंने तेरे लिए सरप्राइज रखा है, पता है तेरे को? दूसरे की शादी में जाना सरप्राइज, मैंने तेरे लिए सरप्राइज रखा है। वो हाजमोला जी, हाँ हाजमोला, उठा उठा, उसी में है सरप्राइज, ला लो देख, 12 बजने में 1 मिनट है, होने वाला है, होने वाला है, देख हो गया आगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear boy। अब सवेरे 6:30 बजे केक काट दिए, जरा मन गया बर्थडे, वाह हैप्पी बर्थडे। तू पागल पागल है क्या? आज मोला फेंक दी, अब तू गैस छोड़ेगी फिर पूरी रात, इससे बढ़िया है ना खा के सो। अच्छा लगे तेरा बर्थडे वाले दिन गैस छोड़ेगी तू? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल भी, वेज खा के बैठे हो शर्म कहाँ पे बिल्ली? तुम ही बताओ कहाँ बैठ कर रहे हो? हम कहाँ जा रहे थे वैसे भी बर्थडे पे, बता कहाँ घूम गई अपने बर्थडे? सब भूल गए ना, कुछ दिन पहले तुमने सपने दिखा दिए, यहाँ चिलेंगे वहां चिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने गलत दिखाया था, शादी में ले जाऊंगा, वहां पे घोड़ी आती है और बैंड आते हैं, पै 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 पै, जन्मदिन का गाना बजवा दूंगा उनमें, पै 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 पै। इससे बड़ा क्या सरप्राइज हुआ, खुद लाइट रख लूं सर पे। तुम हो गए हो पागल, आगे समझ, पर मुझे तो पागल करने की जरूरत है नहीं। तू हो गई पागल, मेरे को तो लग रहा है। मेरा क्या करने की, बर्थडे मनाया ढंग से, 36 बनाया मैंने और इतने अच्छे बनाए। तो मेरे को पता ही था तू 36 साल की है, मुझे पहले ही पता था 36 साल की है। क्या तुम्हें वो पहले बता था 36 साल की? तू मेरे को अपने मुझे बोला ना 36 बर्थडे मनाया तूने, तू कैसी कहती है 26 साल की, 26 साल की, तू 36 साल की है, दुनिया बता देगी। पूछ तूने क्यों बोला 36 बर्थडे मनाया, अब जब 36 मना ली 37वां मना की क्या करेगी? तुम्हें नहीं मनाना? मना तो रहा हूँ मैं, मना नहीं, मैं नहीं मना रही किसी शादी में, नहीं जा रही मैं शादी में किसी, घोड़ी बैठेगी उसकी शादी में, वो बैठता है ना देखो क्या बोलते हो उसे, नन्ना मुन्ना बच्चा, उसके हटा के तू पीछे बैठ जाऊ, मैं आगे बैठ जाऊंगा दूल्हे के हाथ में मोमबत्ती। तो मेरे बर्थडे वाले दिन तुम से लड़ रहे हो, है विश करने से तेरे सता बोला मुंह में डाल दी बर्थडे विश करने के लिए। तो इसमें क्या हो गया, इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती, आजमा भी कर देती है। तो तुम कर लो ना आजमा, ना आजमा ज्यादा कर देता, कर लो ना आजमा, बत्तमीजी करेगी, बत्तमीजी करेगी, बत्तमीजी फिर से, तुम बत्तमीजी कर रहे हो, बोल गई पति परमेश्वर, बोल गई, बोल गई। मैं नहीं जाऊंगी शादी में। हम जाएंगे 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 शादी में। मैं नहीं जाऊंगी। जाएंगे नहीं जाऊंगी। जाएंगे नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। तो उसमें रोने की क्या बात है? मैं नहीं जाऊंगी। रोने की क्या बात है उसमें? नहीं जाना शादी में पक्का, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। किस्मत ही खराब हो गई तुमसे शादी का। मेरी बड़ी अच्छी होगी किस्मत, मेरी अच्छी हो गई क्या? और मैं बोलू तेरे बर्थडे में मैंने बहुत सारी चीजें सरप्राइज कर रखी है, इतनी सारी ऑडियंस बुला रखी है, वहां देख चुप बाहर से कैमरा लगा रखा है, तेरा बर्थडे नहीं मनाऊंगा मैं है? तो जब तो सही, अरे मनाएंगे तेरे बर्थडे भाई, तेरे बर्थडे, अरे दोस्त की शादी की ऐसी की तैसी, पहला तेरा बर्थडे मनाएंगे, मेरी वाइफ को पहला बर्थडे है, तेरी वाइफ को पहला बर्थडे है, बर्थडे आ रहा, तो बर्थडे आ रहा कहते। अच्छा बोल दे पहले, सारे के सारे मेरे बर्थडे में आना, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा एक बार बोल दे, जितने लोग बोलेंगे ना वो तेरे सारे तेरे बर्थडे में आएंगे, सारे कमेंट करेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, कल ये वीडियो आ जाएगी संडे वाले दिन, कल इसका बर्थडे, कमेंट में लिख दो हैप्पी बर्थडे कंचन, हैप्पी बर्थडे कंचन, देखो कितने सारे लोगों को बुला रहा हूँ, देख सब आना, सबको इनकी तरफ से ट्रीट मिलेगी, नहीं मिलेगी ना तो इनकी खैर मैं लगाने वाली हूँ। ये क्या बोल दिया तूने, कहीं असली में आके तो मेरी वाट लग जाएगी। अच्छी बात है ना, लगनी चाहिए गाइस, सब आना, ठीक है गाइस सब आना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस सब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, देख लो भाई गट्स है, कोई बर्थडे मना नहीं कर सकता, भाई के लिए जरूर करना।
ओले बड्डी मने को बड्डी